हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग एज स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का डिवाइड करना सीखा था, यानी कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा था कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। आज जो हमें सीखना है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपके एग्जाम में भी आता है वो है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्या है रिमाइंडर थ्योरम? हिंदी में कहें तो शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय जो है रिमाइंडर थ्योरम, इसमें हम पहले एक स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि ये कहां पे इस्तेमाल होता है। तो इसमें लिखा है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, आपने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स कुछ भी ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, कि उसकी डिग्री जो है या तो वन है या तो वन से ज्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ भी, मैं अभी फिलहाल आपको इसी को अप्लाई करके दिखा रहा हूं कि आप कोई सी भी डिग्री वाला एक पॉलिनोमियल ले लो जिसकी डिग्री कितनी है, या तो वन है या तो वन से ज्यादा है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई ए नंबर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सब कुछ। तो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, तो अगर हम तो यहां पे मान लेते हैं कि लेट जो ए है आपका, मान लेते कितना है टू, ए को क्या मान लेते हैं टू, और कह रहा है कि अगर जो पी एक्स है इसको डिवाइड किया जाए एक्स माइनस ए से, किससे डिवाइड किया जाए एक्स माइनस ए से, यानी कि आपके पास अगर ए दो है तो आप डिवाइड किससे कर रहे हो एक्स माइनस ए, ए यानी टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा पी ए, क्या आएगा पी ए, यानी कि इस पॉलिनोमियल में जब आप ए की वैल्यू यानी कि इसको टू को रखोगे तो वो पुट करने पे जितनी वैल्यू आ जाएगी वो इसका क्या होगा रिमाइंडर। ये बात समझ में आ रही है? शुरू से मैं समझा रहा हूं, एक बार लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए पर चीज बहुत आसान है। एक बार मैं लैंग्वेज और इसकी समझाऊंगा, उसके बाद मैं सीधा एप्लीकेशन बताऊंगा। जब मैं एप्लीकेशन बताऊंगा ना तो आपको तुरंत आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसकी जो लैंग्वेज है, वैसे भी लोग आप लोग स्कूलों में या कहीं पे भी जाते हैं ज्यादातर जगह देखेंगे, आपको कभी ये लैंग्वेज समझाई नहीं जाएगी, डायरेक्ट आपको रिमाइंडर थ्योरम में सीधा इसका क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे। पर आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि क्या है, कि लिखा है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, कि आपको एक पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री या तो वन है या तो वन से बड़ी है। जैसे मैंने इसकी पावर कितनी ली है टू, तो ये वन से बड़ी डिग्री वाला एक मैंने पॉलिनोमियल कुछ भी ले लिया, अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं ए को, ए एक नंबर है, लेट ए बी एनी रियल नंबर है, एक आपने नंबर लिया है ए जो कि रियल नंबर है, तो मैंने कुछ भी ऐसा मान लिया, टू मान लो, माइनस टू मान लो, कुछ भी मान लो, फ्रैक्शन में भी मान सकते हो। ठीक है, और कह रहा है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, इस वाले पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड करूं, यानी एक्स माइनस ए की जगह क्या लिख दिया टू, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, भाग करने पे जो रिमाइंडर बचता है आपको पता है ना, जब आप डिवाइड करते हैं तो नीचे बचता है रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा नीचे बचता है। तो यानी कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू यहां पे ए की जगह पुट करके अगर आएगी ना वही इसका रिमाइंडर बचेगा। जैसे हम करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मेरे पास अब ये आ गया पी एक्स एंड जी एक्स, तो मैं डिवाइड करता हूं, एक बार मैं डिवाइड करूंगा और एक बार मैं रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर आपको निकाल के दिखाऊंगा। कि जैसे हमें पता है जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करते हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं कि मेरे पास ये पॉलिनोमियल है और मुझे डिवाइड करना है इसे एक्स माइनस टू से। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में डिवाइड सीखा था कि हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। मैंने आपको समझाया था कि ये डिवाइड पॉलिनोमियल के कैसे करते हैं, हमेशा इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसका फर्स्ट टर्म इनको आपस में देखते हैं, और क्या देखते हैं इसमें कि इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है।
जैसे इसके पास x की पावर 2 है, इसके पास x की पावर 1 है, तो इसके पास क्या कमी है, इसके पास x के पावर 1 की कमी है, वो मिलने के बाद ये पूरा हो जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा x की पावर 2, पर बगल में माइनस 2 भी लिखा है तो इसको हमें माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बन जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अब ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये 3x और 2x दोनों जुड़ के कितना x हो जाएगा, 5x और माइनस का 2। फिर से देखेंगे इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, जैसे इसके आगे 5 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसके आगे प्लस का 5, तो 5 लगाते ही ये 5x बन गया, और ये 5 जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 बनेगा, ये तो कट गया और ये माइनस की जगह आ गया प्लस, और प्लस का 10 और माइनस का 2 बचेगा कितना, 8। तो यानी कि जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 8। तो ये आप नोट कर लीजिए कि रिमाइंडर इसमें आपका कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। ठीक है, और एक बार हम अब इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं और देखते हैं कि क्या तब भी हमारा रिमाइंडर 8 ही आता है या नहीं। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो हम एक बार लिख लेते हैं, हमारे साइड में हमारे पास पी एक्स एंड जी एक्स क्या है। पी एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एंड जी एक्स मेरे पास है एक्स माइनस 2। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि एक्स माइनस 2 से डिवाइड करने पे, मतलब इसमें वैल्यू रखनी है हमें इसकी, ये जो वैल्यू है ना 2, इसको इसमें पुट करना है और जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लेट करते हैं कि जी एक्स बराबर है 0 के। क्या लेट करते हैं, जी एक्स बराबर है 0 के। तो जी एक्स बराबर 0 यानी एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2। अरे माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। एक्स माइनस 2 है तो उधर जाके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और इस वैल्यू को आपको पुट करना है पीएक्स में, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन पीएक्स, या आप पीएक्स में पुट करो। तो पुट कीजिए इसमें P2, तो जहां जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां वहां पे हम उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर होता है आपको पता है 4, प्लस 3 2 जा कितना होता है 6 माइनस 2, 4 एंड 6 कितना होता है 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना होता है 8। तो अभी हमने जब क्वेश्चन किया था, मतलब जब हमने डिवाइड किया था तब भी हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था, 8, और अब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8। तो ये वो तरीका है जिसमें हम बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इसको रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता है। और इसमें भी हमारा रिमाइंडर उतना ही आता है जो डिवाइड करके आता है, तो ये थोड़ा ज्यादा आसान है। और इस पूरे लिखे हुए का मतलब यही है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो इसमें से जो ये वाली वैल्यू निकल के आती है इसको आप पुट कर देंगे इसमें, तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अब हम करते हैं इसके रिलेटेड और सारे क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स रेस्ट टू पावर 4 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 3 माइनस 2 एक्स रेस्ट टू पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, कि एक्स माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड करने पे आपका शेषफल क्या आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डिवाइड करें, इससे इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर निकालें, या हमारे पास दूसरा तरीका कि हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएं। ठीक है ना, कि हम बिना डिवाइड किए सीधा रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे और हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। तो वो हमारे पास जो लिखा हुआ है, वो जिसको हमें डिवाइड करना है वो हमारा पी एक्स होता है, तो ये हमारा पी एक्स है, और जिससे हमें डिवाइड करना है वो हमारा जी एक्स है। और मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे करते हैं इसको, कि सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जी एक्स इज इक्वल टू है 0 के, यानी कि ये जो एक्स माइनस 1 है ये इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो कि माइनस 1 है उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 1।
अब इस वैल्यू को आपको पुट करना है पीएक्स में, पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन पीएक्स, यानी कि पी वन। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारी यही बोलती है कि ये वैल्यू पुट करने पे जो भी इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यहां पे रखेंगे हम, जहां जहां पे x लिखा हो वहां पे 1 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। ये x की वैल्यू 1 और ये पहले से जो 1 है वो वाला 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1। तो आप पहले प्लस वाले सारे कर लें, देखो तो कितना आ गया, प्लस के कितने हैं 1 1 1 1, प्लस का 4 और माइनस का 2, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है। और एक बार आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर हमारा 2 ही आ रहा है या नहीं, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, बट हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सीधा बोला था कि रिमाइंडर निकाल के दिखाओ, और अगर आपको चेक करना है तो आप कर भी सकते हैं। तो ये आप नोट कर लो पहले, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कि डिवाइड करने में क्या सही में 2 आता है या नहीं आता। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए एक बार हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं कि क्या हमारा डिवाइड करने पे रिमाइंडर वही आता है या नहीं जो अभी हमने निकाला। हमारा आंसर अभी 2 आया था। तो कैसे करते हैं, मैं इस बार बार इसलिए करा रहा हूं जिस ताकि आपके डिवाइड की भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। वैसे हमें अभी करने की जरूरत नहीं थी, हमें हमने रिमाइंडर थ्योरम सीख लिया है, पर हम दोबारा से कर रहे हैं ताकि हमारे डिवाइड की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप लोग ध्यान से देखना हर बार। फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं और मैंने आपको सिखाया डिवाइड कैसे करते हैं कि यहां पे देखते हैं कि सब जो पहला टर्म है इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है। इसके पास x की पावर 4 है और इसके पास x की पावर 1 है, तो पावर कितने कम है, पावर 3 कम है, तो इसको हम दे देंगे x की पावर 3, जो कि देने पे बन जाएगा x की पावर 4। और ये जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का x की पावर 3, और आपको पता है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं और ये कट जाएगा, ये भी x की पावर 3 और ये भी प्लस का, दोनों प्लस के x की पावर 3 है, जुड़ के आ जाएगा 2x की पावर 3। फिर है माइनस का 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये नीचे उतर जाएगा। फिर से देखेंगे इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, तो इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे 2 नहीं लिखा है, तो इसके आगे हम प्लस का 2 लिख देंगे। फिर इसके पास x की पावर 3 लिखा है, इसके पास x की पावर 1 लिखा है, तो x की पावर कितना कम है, x की पावर 2 कम है, तो इधर फिलहाल हम दे देंगे x की पावर 2। तो जब ये करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x की पावर 2x की पावर 3, और जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x की पावर 2, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया ये भी कट गया, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी प्लस, ये प्लस है और दोनों इक्वल थे, लास्ट में क्या बचा, एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखेंगे ये भी x है ये भी x है, दोनों दोनों सेम है। जब दोनों सेम होते हैं, जब जितना इसके पास है उतना उसके पास है, जब दोनों के पास सेम होता है तो वहां पे प्लस का 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस का 1, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब 1 से मल्टीप्लाई होके x तो बन जाएगा x, और 1 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा, और प्लस 1 और प्लस 1 कितना बचेगा, 2। और आपने देखा था कि जब हमने रिमाइंडर थ्योरम से किया था तब भी हमारा रिमाइंडर कितना आया था, 2, और अब भी हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 2, यानी कि हमने वो क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था। चाहे वैसे करके आप चेक कर सकते हैं, चाहे मतलब डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10, जिसके अंदर लिखा हुआ है चेक वेदर द पॉलिनोमियल क्यू टी
इज इक्वल टू 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस वन इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। कि हमें इसमें यह चेक करना है कि क्या ये जो पूरा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है वो 2t प्लस 1 का एक मल्टीपल है या नहीं। ठीक है, तो ये हम कैसे पता लगाएं कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं। पहले यहां पे एक जो वर्ड है मल्टीपल, इसका मतलब शायद आप लोगों को पता होगा कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल वो नंबर होता है जिसके टेबल में, जो किसी के टेबल में आता है। जैसे मैं कहूंगा कि 5 के मल्टीपल लिखो, तो 5 के मल्टीपल वो है जो इसके टेबल में आते हैं। जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड सो ऑन। ये आप आगे तक पढ़ते रहेंगे, तो ये सारे नंबर जो इसके टेबल में आते हैं वो इसके मल्टीपल हैं। तो यहां पे हमें ये बताना है कि एक तरह से हमें ये यहां पे ये करना है कि इस 2t प्लस 1 का हम जब टेबल पढ़ेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये चेक करने की क्या ये इसके टेबल में आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, तो मल्टीपल का मतलब यही होता है कि क्या ये नंबर इसके मल्टीपल में आता है या नहीं आता है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो ये हम बिल्कुल उसी तरीके से चेक करेंगे जिस तरीके से हम फैक्टर को चेक करते हैं। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में फैक्टर और मल्टीपल जो होते हैं आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर जैसे मैंने लिखा कि 5 के पहाड़े में 5 के मल्टीपल क्या क्या है, तो आपने लिखा 5 10 15 20 25 ऐसे लिख रहे, तो मैं कहूंगा कि 20 जो है वो 5 का मल्टीपल है। पर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 5 है वो 20 का फैक्टर है। मतलब 5 के पहाड़े में 20 आता है, और 20 किस किस के पहाड़े में आता है, तो अगर उसमें हम निकालेंगे 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, फिर 4 के टेबल में, और 5 के टेबल में, 10 के टेबल में, 20 के टेबल में, यानी कि 20 जो है वो 5 के टेबल में आएगा। यानी मल्टीपल और फैक्टर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मल्टीपल ये होता है कि इसके टेबल में क्या क्या आ रहा है, और फैक्टर ये होता है कि ये किस किस के टेबल में आ रहा है। मतलब ये अगर 20 का फैक्टर पूछा है तो 20 किस किस के टेबल में आता है ये हम पता कर रहे हैं। तो जैसे उसी तरह से अगर यहां पे आपसे पूछा गया है कि आपको चेक करना है कि क्या ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये इसका मल्टीपल है कि नहीं, तो इसका मतलब वही चेक करना है कि क्या, अगर मैं उल्टा बोलूं तो मैं उल्टे में ये बोल सकता हूं कि क्या ये जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अगर ये पूरा पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है तो ये वाला पॉलिनोमियल इसका क्या होगा, फैक्टर, उल्टा होता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो अगर मुझे चेक करना है कि इसका, इसमें मल्टीपल वर्ड लिखा तो मल्टीपल ही करते हैं, तो उसके लिए चाहे मल्टीपल लिखा हो चाहे फैक्टर लिखा हो, ठीक है, फैक्टर में बस लैंग्वेज थोड़ी सी उल्टी हो जाती है कि ये इसका फैक्टर है, और मल्टीपल में हम लिख रहे हैं कि ये इसका मल्टीपल है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और करना हमें वही है कि जीरो चेक करना है। ठीक है, कि अगर इसको इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं और वो अगर जीरो आ जाता है तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो है इसका मल्टीपल है, और अगर इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं और जीरो नहीं आता है तो उसका मल्टीपल नहीं है। तो इसके लिए करेंगे कैसे, आपका क्यूटी दे रखा है आपको, और इसको आप कुछ और लिख लो, आरटी लिख लो। आरटी आपको दे रखा है 2t प्लस 1, तो लेट कर लो आरटी इज इक्वल टू 0, यानी 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 अपॉन 2, और इसको आपको पुट कर देना है, पुट t इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 इन qt, इसको आपको qt में पुट कर देना है। तो वो जो आपका वैल्यू है qt दे रखा है आपके पास, तो उसके अंदर पुट कर दो qt इज इक्वल टू q, अब t की जगह माइनस का 1 अपॉन 2 पुट करना है, तो जहां जहां पे t लिखा हुआ है वहां वहां पर माइनस का 1 अपॉन 2 पुट करेंगे, तो 4 इंटू में माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस में 4 इंटू में माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसको अब आपको सॉल्व करना है, आपने पुट कर दिया, अब आप सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1 ही होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8।
प्लस में 4, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4। अच्छा माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 होता है, ऐसा क्यों आपको पता है ना, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, जब तीन बार आप माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस और एक बार माइनस। जब भी माइनस वन की पावर ऑड होती है तो माइनस में ही आता है, और जब पावर इवन होती है तो प्लस में आता है। जैसे यहाँ पे पावर इवन है, दो बार है, जब आप दो बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर कितना आएगा, 1। इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1/2 और माइनस का 1। आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कट सकता है, ये आ गया माइनस का 1/2, ये 4 1 जा 4 कट गया, ये आ गया प्लस का 1, फिर है प्लस का 1/2 और फिर है माइनस का 1। तो देखेंगे प्लस का 1/2, माइनस का 1/2, प्लस का 1, माइनस का 1, सब कट गया, आंसर कितना आया, 0। तो क्योंकि नीचे कितना आ गया, 0, इसका मतलब ये है कि ये पूरे की पूरे जो क्यू टी आपका पॉलिनोमियल है वो इसका मल्टीपल है। आपको लास्ट में क्या लिखना, देयर फोर क्यू टी इज इक्वल टू 4t³ प्लस 4t² माइनस टी माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t+1। ठीक है, तो यानी कि इसका मल्टीपल है। हिंदी में क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख के 2t+1 का बहुपद, सॉरी का गुणज है। क्या लिखेंगे, पूरा हिंदी में भी लिखवा देता हूं, क्यू टी इज इक्वल टू 4t³ प्लस 4t² माइनस टी माइनस 1 बहुपद आर टी 2t+1 का गुणज है। का क्या है, गुणज है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि मल्टीपल चेक करना है, मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करना है आपको, इसको आपको 0 के बराबर पुट करना है, टी की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देना है। अगर पुट करने पे 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो उसका मल्टीपल है, पुट करने पे 0 नहीं आता है तो उसका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आप पुट कर रहे हो एक तरह से डिवाइड करने के बाद आप रिमाइंडर चेक कर रहे हो। कोई नंबर किसी का मल्टीपल कब होता है, जब डिवाइड करने पे कितना आ जाए, 0। जब डिवाइड करने पे कितना आ जाए, 0। जब डिवाइड करने पे 0 आता है तभी तो वो उसका मल्टीपल बनता है। तो यहां पे भी हमें वही चेक करना था, हमने एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम लगाई और लास्ट में देख लिया कि रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब है कि ये इसका मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता इसका मतलब क्या होता, ये इसका मल्टीपल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज करते हैं अब। तो हमारा एक्सरसाइज 2.3, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x^3 प्लस 3x^2 प्लस 3x+1 इज डिवाइडेड बाय x+1, x-1/2, x+π एंड 5+2x। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा जब इस वाले पॉलिनोमियल को इन सब से हम डिवाइड करेंगे। तो क्या आपको इतनी बार डिवाइड करने की जरूरत है, जितने यहां पे 5 दे रखे हैं आपको इसके पार्ट, तो क्या आपको 5 बार डिवाइड करने की जरूरत है, तो नहीं। इसमें हमें डिवाइड नहीं करना है, इसमें हमें रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, क्योंकि आपसे रिमाइंडर पूछा गया है। तो रिमाइंडर निकालने का सबसे अच्छा तरीका कि हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएं, ना कि इसको बार बार डिवाइड करें। ठीक है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगा के आसानी से इनके सबके निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये तो हमारा px है, px हमारे लिए क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। एंड gx की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहला पार्ट कर रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x+1। और मैंने आपको इतनी बार बताया, आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब कि भाई कैसे निकालते हैं हम रिमाइंडर। हर बार हमें क्या करना है, एक ही चीज, रटी रटाई चीजें हैं, मतलब एक बार आपने किसी को एक क्वेश्चन को समझ लिया तो सारे उसी तरीके से होते जाएंगे, बिल्कुल भी आपको पैटर्न चेंज नहीं करना, एक ही पैटर्न से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जी एक्स को आपको लेट करना है 0 के इक्वल, यानी x+1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और यही वैल्यू को पुट कर देंगे हम पी एक्स में। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन पी एक्स, तो p -1, जहां जहां पे x है वहां वहां पे -1,
माइनस वन का क्यूब प्लस में थ्री इंटू में माइनस वन का स्क्वायर प्लस में थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे p माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वन का क्यूब तो माइनस वन ही होता है, ठीक है, प्लस में थ्री इंटू में माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, अभी समझाया था कैसे होता है। और जब वो थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री वन जा कितना बन जाएगा, थ्री। अब ये थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा माइनस का थ्री और ये प्लस का वन, तो आप देख सकते हैं ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो p माइनस वन कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यानी कि इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचता है, जीरो। तो आप लिख भी सकते हैं ये स्टेटमेंट, ऑन डिवाइडिंग बाय एक्स प्लस वन, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स आप बस इतना बाय एक्स प्लस वन द रिमाइंडर इज जीरो, ठीक है ना। यानी कि x प्लस वन से भाग करने पर पी एक्स को भाग करने पर शेषफल शून्य बचता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया है वैसे हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ये सारे पार्ट करने हैं। तो एक मैं आपको ये पांच में से एक पार्ट मैं और करा देता हूं, एक नहीं चलो दो पार्ट करा देता हूं, बाकी दो पार्ट जो बच जाएंगे आप खुद करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके दो पार्ट और करा देता हूं, इसको पहले आप नोट कर लें, ये फर्स्ट पार्ट था। अब मैं इसका आपको फोर्थ करा देता हूं, पाई वाला, और ये लास्ट वाला करा देता हूं, बाकी आप खुद करना। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, मैं आगे करा रहा हूं। तो करने का तरीका हर बार बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर मैं फोर्थ पार्ट आपको करा रहा हूं तो जैसे उसमें लिखा है आपकी जी एक्स की वैल्यू क्या है, वो है x प्लस पाई, क्या है x प्लस पाई। तो हर बार जैसे अभी मैंने कराया बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, लेट करेंगे जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जी एक्स की जो वैल्यू है x प्लस पाई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का पाई, ये प्लस का पाई उधर जाके माइनस का पाई हो जाएगा ना। एक बात आपको हमेशा इसमें इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि इसमें आपको पाई की वैल्यू को सॉल्व नहीं करना है कि 22/7, नहीं, आपसे वो नहीं पूछा गया है, ठीक है। आपको बस इसको पाई को पाई ही रहने देना है, और जहां जहां पे एक्स लिखा है वहां पे पुट कर देना है एक्स इजिकल टू माइनस पाई, जहां जहां पे एक्स लिखा है वहां वहां पे माइनस पाई पुट कर दो, माइनस पाई। तो देखेंगे माइनस का पाई क्यूब प्लस थ्री इंटू में माइनस का पाई स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में माइनस पाई और प्लस वन। तो आंसर ये हमारे इसमें क्या आ जाएगा, माइनस पाई क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। आपको और कुछ नहीं करना है, बस ये आपका रिमाइंडर है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, और आप वही जो स्टेटमेंट लिखा था उसमें से उस रिमाइंडर में ये वैल्यू लिख देंगे पूरी, ठीक है। अब लास्ट जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो मैं करा रहा हूँ, बाकी जो दो पार्ट बच गए वो आप खुद करेंगे, खुद करेंगे और चेक करेंगे आपसे होता है या नहीं, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो आपको कराऊंगा। ये वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, लास्ट पार्ट मैं कराने जा रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट, बचे हुए दो पार्ट आप खुद करेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपके पास जो जी एक्स है वो है 5 + 2x। तो जैसा कि मैंने पता रखा है जी एक्स इजिकल टू जीरो, यानी 5 + 2x इजिकल टू, सॉरी 5 + 2x इजिकल टू जीरो। 2x इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 बन जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई -5/2, और यही हमें पुट करना पड़ेगा इन पी एक्स। तो पी एक्स में मैंने पुट कर दिया -5/2, तो पुट करो जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे हम लिखेंगे माइनस का 5/2। तो -5/2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में -5/2 का स्क्वायर प्लस में
थ्री इंटू में माइनस का 5/2 और प्लस में 1। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले है -5/2 का क्यूब, -5 का क्यूब भाई, -5 का क्यूब हो क्या होगा देखेंगे, -5 × -5 इंटू माइनस फाइव, तो 5 का जो क्यूब होता है 5 × 25 125, कितना होता है 125। और क्योंकि पावर 3 है तो माइनस कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो माइनस माइनस प्लस और एक बार बच गया, तो यानी कि क्या लगेगा आगे, माइनस, माइनस का 125 और नीचे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8, 2 × 4 × 8, फिर आप आगे करेंगे प्लस में 3, -5 का स्क्वायर होता है 25, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, खुद देखेंगे आप, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा और माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 × 2 = 4, और आप जब ये माइनस के 5 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 × 3 = 15 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 15 और नीचे तो 2 है तो वो 2 ही रहेगा और लास्ट में है +1। तो मैं आपको बड़े आराम से सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोगों को भी ध्यान रखना, ठीक है, कैलकुलेशन का ये छोटी मोटी गुना भाग आपको आनी चाहिए। अब देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 125/8 प्लस में इनकी मल्टीप्लाई करो 75, क्योंकि कट तो रहा नहीं है, अपॉन 4, माइनस का 15/2 प्लस 1 और नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि सबके नीचे कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू है तो इसको भी आप फ्रैक्शन बना लेंगे। अब क्या करेंगे लास्ट में, सबका क्या ले लेंगे, एलसीएम। आपको आता होगा कि सबका एलसीएम ले लेते हैं जब भी फ्रैक्शन की जमा या घटा होती है, तो कैसे करते हैं कि सबका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, और फिर इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इस 8 से इस 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और उस 1 को ऊपर वाले माइनस के 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 125, ठीक है। फिर इस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे 2 बार में आता है, 4 × 2 = 8, और जो 2 आया उस 2 को ऊपर वाले 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 बचेगा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। अब 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे 4 बार में आता है, 4 को ऊपर वाले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 4 = 60। अब 1 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, तो 1 के पहाड़े में 8 तो 8 बार में आएगा, यानी 8 बार में, और 8 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 1 = कितना आ जाएगा, 8। तो अब आपको क्या करना है कि प्लस वालों को एक साथ लिख दो, 150 और 8, तो 158, माइनस वालों को ऐड करके एक साथ लिख दो, माइनस का 125 और माइनस का 60, तो माइनस का 185 अपॉन में कितना आ गया, 8। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 185 माइनस 158 करो, 185 माइनस 158 करो, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और ये कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, यानी कि माइनस का 27, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटा रहे हो आप क्या कर रहे हो, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो, तो आप क्या करो, बड़े में से छोटा घटा के माइनस लगा दो, माइनस का 27/8, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि रिमाइंडर आ गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया, बाकी के 2 पार्ट बच जाते हैं जिसमें ये जो x − 1/2 है जब आप उधर ले जाओगे तो वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और इसमें आपको पुट करना है 1/2, और इसमें x = 0 क्या आएगा, 0, और आपको x की जगह हर जगह 0 पुट करना है, तो ये 2 पार्ट आप खुद करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x^3 माइनस ax^2 प्लस 6x − a इज डिवाइडेड बाय x − a, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल को x − a से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिर से वही है कि वो हमारे लिए क्या है, px है, x³ − ax² प्लस 6x − a, एंड gx आपके पास है x − a, और मैंने अभी आपको बताया रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालने का हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है जो हम बड़े आसानी से कर लेते हैं, x − a = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, a, और इसे हमें पुट कर देना है px में, पुट x = a इन px,
और जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पर a लिख देंगे, यानी x क्यूब की जगह हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू में a का स्क्वायर प्लस में 6 a और माइनस का a। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा a क्यूब। a और a स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब बनेगा, और प्लस का 6 a माइनस का a, ये तो कट गए। अब करना है 6 a माइनस a, तो देखेंगे बड़े ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि 6 a में से a घटाएंगे तो 5 a बचेगा। ठीक है, कुछ महान लोग होते हैं जो क्या करते हैं, a से a कट गया और आंसर कितना बच गया, 6। तो नहीं, आपको उतना महान बनने की जरूरत नहीं है, आपको उनसे थोड़ा कम रहना है, और आपको बस इतना पता रखना है कि 6 a में से a माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 a। ठीक है, कि 6 गधे आपके पास है, आपने एक गधे को भगा दिया तो कितने गधे बचे आपके पास, 5 गधे। ठीक है ना, तो बगल में वो लिखना पड़ेगा ना कि कौन है, यानी कि अगर 6 a है माइनस a करेंगे तो कितना a बचेंगे, 5 a, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर बच गया, तो ये 5 a जो है, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 5 a। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। हमें चेक करने की क्या ये जो है पॉलिनोमियल वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो ऐसा ही हमने अभी एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 10 था शायद, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में भी हमने यही किया था, उसमें मल्टीपल लिखा हुआ था, पर उसमें क्या लिखा हुआ था, मल्टीपल, और इसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्टर। तो मैंने अभी आपको बताया था उस टाइम कि मल्टीपल एंड फैक्टर आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है इसका मल्टीपल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करना वही है। ठीक है, काम आपको वही करना है, बस इसमें आपका जी एक्स, ये जी एक्स है वो पी एक्स है, आपको पता होना चाहिए कि पी एक्स से आपका क्या है, 3x³ + 7x। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसी को पी एक्स और इसको जी एक्स, ये तो हम मान रहे हैं, ये कुछ भी नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो पी एक्स ही होगा, मतलब आप इसको क्यू एक्स आर एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है कि आप पी एक्स ही लिखेंगे हमेशा, क्योंकि पेपर में हो सकता है आपको वो पी एक्स ना लिख के आपको क्यू एक्स मिल जाए, या जी एक्स ही उसको लिख दिया तो आप कहेंगे कि उल्टा हो गया, नहीं, ये हम ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, पर हम एक ही चीज बार बार माने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, बार बार मैं अभी एक बार पी एक्स लिख दूं, अगली बार उसको आर एक्स लिख दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं हर बार इसको ही पी एक्स मान लेता हूं, उसको ही क्यू एक्स मान लेता हूं, क्योंकि आपको वहां पर ये नहीं बोला जाएगा कि इसको आप पी एक्स मान रहे हो, किसको आप क्या मान रहे हो, आप एक ही पैटर्न से जब करते रहेंगे तो आपका ज्यादा दिमाग में सटीक तरीके से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हमें हमें पता है क्या करते हैं, हम जी एक्स इजिकल टू 0, यानी कि ये जो 7 + 3x है ये किसके बराबर हो गया, 0 के। तो 3x इजिकल टू प्लस का 7 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7/3, और इसको हमें पुट कर देना है, पुट x इजिकल टू माइनस का 7/3 इन पी एक्स, इसको किस में पुट कर देना है, पी एक्स में, तो p माइनस का 7/3, तो जहां जहां पे एक्स लग रहा है वहां पे, मतलब एक्स लिखा है वहां पे हमें -7/3 पुट कर देना है, तो हमारे पास पी एक्स है 3x³, यानी -7/3 का क्यूब प्लस में 7x, यानी प्लस में 7 × -7/3। तो इसको हमें सॉल्व करना है, क्या आएगा, 3 × में -7³ तो माइनस का 343 होगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा क्यूब स्क्वायर कुछ भी होगा तो पहले आपको सॉल्व करना है उस क्यूब को, बाद में उसको जो भी ऊपर नीचे काटने वाली चीज है वो आपको करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले ही काट देते हैं 3 से 3 और 7 का क्यूब कर देते हैं -343, माइनस का 7 का क्यूब कर देते हैं -343। ठीक है, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब करना है, पहले क्यूब करोगे 27 आएगा, तब वहां पे नीचे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे काट दोगे तो नीचे 1 आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी आप कर सकते हो, और प्लस में देखेंगे, प्लस माइनस तो माइन क्या होता है, माइनस कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, नहीं कट रहा, तो 7 7 जा 49 और नीचे क्या है 3, इधर काट सकते हैं हम, इधर नीचे कट के क्या आ गया 3।
थ्री को 27 का से काटोगे, 9 9 बार में कटेगा। माइनस का 343 अपॉन 9 और माइनस का 49 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 9 आएगा। आपको एलसीएम लेना है, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 1, और 1 से ऊपर वाले 343 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343। बीच में माइनस, इस 9 से इस 3 से इस 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 3 जा 9, और 3 से ऊपर वाले 9 को मल्टीप्लाई 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 इंटू 3, 9 9 3 जा 27 और 3 4 जा 12 और 12 और 2 कितना होता है 14, तो माइनस का 147। इनको ऐड कर देंगे, 3 एंड 7 0, 4 4 8 और 1 9, 3 और 1 4, माइनस का 490 अपॉन 9। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो ये क्या आया आपका रिमाइंडर, ये आपका क्या आ गया रिमाइंडर, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो आपको यही तो चेक करने के लिए बोला था कि आप चेक करो कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं आया, इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, देयर फोर 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, यानी कि 7 जमा में 3x, 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज जो कि है 2.4। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिए, और इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।